वेलकम दोस्तों, सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आईटीआई के तहत आएगा सीजीआई का ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अब मुख्य न्यायाधीश सीजीआई का ऑफिस भी सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किए गए। फैसले में कहा गया कि सीजीआई ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत ये आरटीआई के तहत आएगा। हालांकि इसके दौरान दफ्तर की गोपनीयता उजागर नहीं की जाएगी। इसी के साथ साथ इस वीडियो में इतना बताना चाहता हूँ कि इसके कहने का मतलब ये कि जो बुधवार को जो सीजीआई ने जो फैसला दिया है उसमें ये कहा गया है कि जो सीजीआई का ऑफिस है वो भी सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत आएगा। आप कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप आरटीआई के तहत लगाकर आप सूचना प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसे उजागर नहीं की जा सकेगी। इसमें यह भी स्पष्ट कहा है कि जो दफ्तर की गोपनीयता है उसे उजागर नहीं की जाएगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज हैं उनकी संविधान पीठ ने बुधवार 2019 को ये फैसला सुनाया है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनिए। जब तक आप अंत तक नहीं सुनोगे जब तक आपके समझ नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कहा है कि सीजीआई का ऑफिस जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो ऑफिस भी आईटीआई के तहत आएगा। उसका दफ्तर सब हर चीज़ आप उपलब्ध करा सकते हो, ले सकते हो। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जे खन्ना, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस रमनावाली पीठ ने गुरुवार को इस फैसले को पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इस फैसले को लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 2000 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा। मतलब ये कहा जाता है कि जो 5 जजों की जो संविधान पीठ है जिसमें रंजन गोगोई है, जस्टिस खन्ना है, जस्टिस गुप्ता है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस रमनावाली, इस पीठ ने गुरुवार को इस फैसले को पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में जो आर्टिकल 124 के तहत इस फैसले को लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में इसके खिलाफ फैसला दिया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की 5 जज की जो पीठ है उसने बरकरार रखा। कुल मिला के ये कहा जाता है कि कहा गया है कि जो सीजीआई का जो ऑफिस है वो आईटीआई के तहत आएगा। आप किसी भी चीज़ को आईटीआई के तहत आप प्राप्त कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ये 2010 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा। इसी के साथ साथ जो जस्टिस संजीव खन्ना है के द्वारा लिखे गए फैसले में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता ने सहमति जताई। हालांकि जस्टिस रमना और जस्टिस चिरना ने कुछ मुद्दों पर अपनी अलग अलग राय व्यक्त की। कुल मिला के जो जस्टिस खन्ना के द्वारा लिखा गया जो फैसला आईटीआई के तहत 2019 में, उस फैसले को चीफ जो जस्टिस मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार रंजन गोगोई ने जस्टिस के रमना और उस मुद्दे को सहमति जताई कि यह सही है, आईटीआई के तहत आना चाहिए। फैसले को पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो फैसला सुनाया है 5 जजों की पीठ ने उसमें क्या कहा है पढ़ते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद अब कॉलेजियम फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा। फैसले को पढ़ते हुए जस्टिस रमना ने कहा कि आईटीआई का इस्तेमाल जासूसी के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। कुल मिला के जासूसी के तौर पर आप आईटीआई को उपयोग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आईटीआई के तहत जवाबदारी से पारदर्शिता बढ़ेगी, इससे न्यायिक स्वतंत्रता पारदर्शिता मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे ये बहुमत मजबूत हो कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, मतलब कानून भी से ऊपर कोई नहीं है, ये बाध्यता हट जाएगी। कुल मिला के ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको भी वेबसाइट पर डाला जाएगा। लेकिन दोस्तों द्वारा आप आईटीआई के तहत जो भी सूचना मांगों को सार्वजनिक नहीं कर सकते, उसे जासूसी के तौर पर आप उसे उजागर नहीं कर सकते। इसलिए ये स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन की है, स्पष्ट कहा गया फैसले को जब पढ़ते हुए जजों ने।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से कहा गया है कि आईटीआई के तहत जवाबदारी से पारदर्शिता और बढ़ेगी, इससे न्यायिक स्वतः पारदर्शिता मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे भाव भी मजबूत होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं है। कुल मिला के जो फैसला आईटीआई का दिया है उसमें जो 5 जजों की जो पीठ थी उसने कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी आईटीआई से कानून से ऊपर नहीं है। कुल मिला ये जो कानून लागू किया है इससे कोई भी ऊपर नहीं है, क्योंकि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसकी पॉलिसी उजागर हो सकती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। इससे ये होता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी कानून से ऊपर नहीं है। ये 5 जजों की जो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इस फैसले को सुनाया है, जो 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया था उसकी याचिका पर इस फैसले को सुनाया है। इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, तो अप्रैल में भी इस मामले में हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया था। कुल मिला के बात यह कि 2010 में जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जब हाई कोर्ट का फैसला उसको चुनौती देने वाली याचिका तो उस पर इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ये केस। कुल मिला के 2010 में जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी वो केस किस प्रकार से डील हुआ। करीब एक दशक पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसला था, चीफ जस्टिस की ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट को आईटीआई के अंतर्गत अपनी सूचनाओं को उसी तरह चाहिए जिस तरह देश में सार्वजनिक अथॉरिटी देती है। साल 2000 में एक्टिव सुभाष चंद्र अग्रवाल ने जजों की संपत्ति जानने के लिए भी आईटीआई दाखिल की थी। कुल मिला के यह था कि 2010 में जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसी फैसले को इस सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, क्योंकि आईटीआई के तहत सभी सूचनाएं सार्वजनिक अथॉरिटी देती है। क्योंकि 2007 में सुभाष चंद्र अग्रवाल नामक व्यक्ति ने जजों की संपत्ति के लिए भी आईटीआई दाखिल की थी, तो इसलिए जो सामूहिक 5 जजों की जो संविधान पीठ थी उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। उसने ये जाना कि जो भी सूचनाएं वो सार्वजनिक चाहिए, या तो जज हो या कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये सारी चीजें अभी 5 मुख्य न्यायाधीश बताइए। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जज जनरल सेक्रेटरी और सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। कुल मिला के ये बात है कि 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी और सुप्रीम कोर्ट के लोक सूचना अधिकारी हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट के जो सेक्रेटरी थे वो लोक सूचना अधिकारी थे, उन्होंने इस आदेश की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी। लेकिन हाल ही में बुधवार को 2019 को 5 जजों की जो संविधान पीठ थी उन्होंने उसी फैसले को बरकरार रखते हुए ये फैसला सुनाया है। इसे दोस्तों सरकार ने स्पष्ट कहा है जजों ने कि सरकार कानून से ऊपर सीजीआई ऑफिस भी नहीं हो सकता या जज भी नहीं है। इसी के साथ साथ करीब एक दशक पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि चीफ जस्टिस के ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस आईटीआई के अंतर्गत आना चाहिए, अपनी सूचना को उसी तरह सार्वजनिक करनी चाहिए जिस तरह सार्वजनिक अथॉरिटी देती। इस मामले में सूचना देने से इनकार कर दिया गया था, तो मामला केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास पहुंचा। सीआईसी ने इसी सूचना के बाद ये कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला। उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजों की जो संविधान पीठ बैठी थी उन्होंने उसी फैसले को अप्रैल में पेंडिंग रख दिया था, और आज बुधवार 2019 को उसी फैसले को सार्वजनिक करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
रंजन गोगोई ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी इस फैसले से नहीं है, कोई भी इस कानून से ऊपर नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।